हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्टडी टिप्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, जिसकी संकल्प है आपकी जीत से। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट टू, किन का एलसीएम और एचसीएफ के इजी ट्रिक्स के साथ। हम लोग 100 डेज टारगेट बैच एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, CBT 1, CBT 2, ग्रुप डी वगैरह जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे हो सबके लिए ये काफ़ी बेहद ही लाभदायक और हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम बताएंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको शॉर्ट ट्रिक्स कि कैसे आप अपने एग्जाम पे इस टाइम को बचा कर इजिली एग्जाम को करेक्ट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब तक आपने अगर पिछला वीडियो को नहीं देखा हो या पिछला सेशन को आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जल्दी से जाके पिछला सेशन को देख लीजिए आई बटन में ऊपर में क्लिक करके। और हम लोग बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 6 की। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लगाओ जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर टच करके घंटी का आइकन ज़रूर टच कर देना है, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल 432 है, यानी कि 432। ओके, दूसरी और तीसरी संख्याओं का गुणनफल 504 यानी 504 है। ठीक है, तथा पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल 378 यानी कि 378 है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि पहली संख्या क्या है आपकी। तो सॉल्यूशन एक बार देखते हैं, एक तड़कता भड़कता आपके साथ हॉट ट्रिक्स भी यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसको जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो रूट ओवर, ये पूरे का रूट ओवर है 432 इंटू 4504 इंटू 378 डिवाइडेड बाई 540, ये टोटल का। तो ये आ जाएगा इतना आंसर, इनको आप ऐसे 18 इसका पूरा आंसर होगा। अगर आपको पता नहीं है कि रूट ओवर, बड़े से बड़ी संख्या का रूट ओवर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो नीचे कमेंट कीजिए। मैं लाऊंगा आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स वाले एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो का एक कलेक्शन, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे चंद सेकेंड में आप लोग निकाल सकते हैं किसी भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नंबर का स्क्वायर्स और बड़े से बड़े रूट स्क्वायर। ओके, तो देखते हैं इसका हॉट ट्रिक्स में क्या कहता है। यदि 3 संख्या एक्स वाई जेड में पहली एवं दूसरी का गुणनफल एक्स वाई है, ऑब्वियसली सी बात है कि पहला अगर मैंने एक्स माना है, दूसरा वाई माना है और तीसरा को जेड माना है, तो पहला और दूसरा का एक्स वाई हो गया, दूसरा और तीसरा को क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, और तीसरा और पहला का क्या हो जाएगा, तो एक्स जेड हो जाएगा। तब पहली संख्या क्या होगी, तो रूट ओवर कर देंगे इसका, यहाँ से यहाँ तक का रूट ओवर एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू एक्स जेड डिवाइडेड बाई जेड इंटू वाई यानी वाई इंटू जेड। देखिए आपका स्ट्रिक्स में तीनों फॉर्मूला एक ही जैसा है, लेकिन याद रखिए कि जो भी संख्या आपको निकालने बोला गया वो टर्म के साथ नीचे वाला टर्म नहीं है। देख लो, अगर पहला संख्या निकालने बोला है तो एक्स नहीं है नीचे, अगर दूसरा बोला गया तो वाई नहीं है नीचे, और तीसरा बोला गया तो जेड नहीं है नीचे। तो ईजी है, बाकी सामने वाला जो फ्रंट वाला है यानी अंश बटे हर जो हम लोग कर रहे हैं, अंश का फॉर्मूला सेम है, हर वाला फॉर्मूला में सिर्फ जिसको निकालना है जो वाला टर्म वो वाला टर्म यहाँ पे नहीं रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपको कोई भी अदर डेटा को चेंज करके बनाना है तो आप बना सकते हैं बेहद ही आसान तरीके से। तो एग्जाम्पल नंबर 7 पे चलते हैं। अभी इससे पहले हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल्स और भी किए हुए हैं, तो आप पहले वाले वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 100 डेज टारगेट बैच में हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 100 दिन में पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, और इसमें आपको ई नोट्स वगैरह भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो ई नोट्स या इसका जो भी PDF है उसको डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया होगा एक टेलीग्राम का लिंक, उस पर जाकर आप कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ज़रा सा पहले क्लियर कर लेते हैं पेज को। अब देखो, यदि 2 संख्याओं का लॉस हो यानी कि LCM तथा 40 दिया हुआ है, तथा मस हो यानी कि HCF 2 हो, एवं पहली संख्या 10 हो यानी कि फर्स्ट नंबर दे दिया गया है 10, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
महा इजी वाला क्वेश्चन है, देखिए कैसे इसको बनता है। तो इसमें करना क्या है, 40 × 2 / 10 = 8। एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि टोटल इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो हॉट ट्रिक्स मैं बता देता हूँ, इसके बाद मैं इसको अच्छे ढंग से मैं समझा देता हूँ। यह क्या होता है, यहाँ पे यदि किसी प्रश्न में दो संख्याओं का लसाअ यानी कि एलसीएम और मौसअ दिया हो, यानी कि एचसीएफ दिया हो, और पहली संख्या भी दी हुई हो, तब दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, लसाअ बटे मौसअ डिवाइडेड बाय पहली संख्या। एक्चुअली में इसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ नहीं होता है, जो भी संख्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो भी संख्या होता है वो क्या होता है, बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का। ठीक है, तो आपको जो भी नंबर निकालना होगा वो नंबर यहाँ रह जाएगा, बाकी नंबर कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो देखिए आपको फर्स्ट नंबर निकालना रहता तो सेकेंड नंबर नीचे चला जाता, और अगर सेकेंड नंबर निकालना है तो अभी यहाँ पे फर्स्ट नंबर पहली संख्या क्या होगी, नीचे आ गई। तो ये आपको फार्मूला हो गया, बेसिक फार्मूला, जिसके आप दोनों निकाल सकते हैं। अगर पहली संख्या भी पूछ देती, दूसरी संख्या अगर दी हुई हो तो इजीली निकल जाता। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, जो आपके कोई अदर्स कोई क्वेश्चन होता है जो नहीं बन रहा होता, नीचे कमेंट जरूर करें, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन और भी आ गया है आपके सामने में, कुछ एग्जाम्पल नंबर 8 के रूप में, यानी कि 15, 16, 18 का लसाअ ज्ञात करें। तो इसको देखो कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एलसीएम, लसाअ मीन्स एलसीएम। ओके, तो देखो इसमें कैसे करते हैं, 15 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं या तोड़ देते हैं। तो कैसे तोड़ सकते हैं, 3 पे पावर 1 एंड 5 पे पावर 1 ये कर देते हैं। 16 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कुछ टूटेगा नहीं, क्योंकि ये सम संख्या है, तो डायरेक्ट हम लोग इसमें डाल दिया 2 पर पावर 4। और 18 को अगर हम लोग करेंगे तो 2 पे पावर 1 × 3 पे पावर 2 इतना कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन रखेंगे, जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको कॉमन नहीं रखेंगे। तो जो जो कॉमन आ रहा था इसमें देखिए 3 आ रहा है कॉमन, तो 3 का सबसे बेस्ट पावर क्या है, 2, तो हम लोग लिख लेंगे 3 पे पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 पे पावर कितना है, हाईएस्ट आपका 4, इसको भी इंटू कर देंगे, और 5 का 1, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो आपका पूरा आंसर आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, यही टिप्स भी है, यही ट्रिक्स भी है, और लॉन्ग मेथड में आप जाएं बनाने तो देख लीजिए आपको कैसा लगेगा। तो इसमें क्या कहता है हॉट ट्रिक्स, यदि दी गई संख्याओं में एलसीएम लसाअ निकालना हो तो दी गई संख्याओं का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के घात के रूप में लिख लें। जो भी अभाज्य संख्या है सबको, जो भाज्य संख्या है उसको तो जनरली लिखना ही है, और जो नहीं है उसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, यानी कि पावर के फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे टोटल को। अगर पावर नहीं हो रहा है तो उसमें 1 हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य संख्याओं के महत्तम घात, ओके, महत्तम घात वाले गुणनखंडों का गुणनफल ही उनका लॉस होगा। जो भी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि हाईएस्ट वाले नंबर का जो भी होगा वही इसका एलसीएम होगा। देखिए हाईएस्ट यहाँ 2 पे पावर 4 ले लिया, इसका हाईएस्ट 2 पे पावर 3 पे पावर 2 था वो ले लिया, इसका हाईएस्ट कुछ नहीं था तो 1 ही था तो 1 ही ले लिया, टोटल को हम लोगों ने गुणा कर दिया तो एलसीएम निकल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने ये सीख लिया, अगर आपसे पूछा जाएगा कि वो तो सिंपल था नंबर वाला, अगर आपसे बटे में दे दिया, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको दे रहा है, देखिए 4/5, 4/5, 5/6 और यहाँ पे 6/7, इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो कैसे निकलेगा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला में हम लोग लिख सकते हैं कि ऊपर वाले जो भी हो, अंश वाला जो भी हो, 4, 5 एंड 6, उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। ओके, और नीचे वाले जो हर है, ये वाला जो हर है 5, 6 एंड 7, इसका हम लोग लेंगे एच सी एफ। ये दोनों को आपस में बटे में कर देंगे तो इसका टोटल आंसर इतना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हम लोगों ने किया, इसके बारे में थोड़ा सा और ट्रिक्स के ऊपर जान लेते हैं, इसके बाद हम एक और टाइप्स का ट्रिक्स बताएंगे कि आपको याद कैसे रखना है इसको। पी बाय क्यू के रूप में दी गई भिन्नों का लसाअ यानी कि एलसीएम निकालने के लिए, लसाअ इक्वल टू क्या होता है, अंशों का एलसीएम डिवाइडेड बाय हरों का एचसीएफ। ओके, अभी आपको अगर यहाँ पे गौर कीजिए कि लॉसो निकालने बोला है तो सबसे ऊपरी भाग में क्या है, एलसीएम। देखिए एलसीएम अगर निकालने बोल रहा है तो अंशों का एलसीएम है और हरों का
हरों का HCF है, याद रखना है। अगर LCM निकालने बोल रहा है तो अंशों का हमेशा LCM निकलेगा ऊपर में, और HCF के टर्म में यहाँ पे HCF निकलेगा, ऊपर वाला टर्म वही होगा जो यहाँ पे जो निकालने दिया जाएगा। आपको एक और ऑप्शंस दे देते हैं और एक क्वेश्चंस मेरे तरफ से आप लोगों का, कि इसको आप बना के दिखाएं और कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर कैसे आएगा, कितना आएगा। क्योंकि मैं एक थोड़ा सा हिंट कर सकता हूँ आपको, जैसे पॉइंट में दिया हुआ है 2.14, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एज ए ट्रिक्स हम लोग देख सकते हैं, इसको अगर उड़ा देंगे पॉइंट को तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो सभी ये टर्म्स जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएंगे। और आपको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम का भी हम लोगों ने हॉट ट्रिक्स क्या देखा कि अंशों का जो अंश है, अंशों का क्या था यहाँ पे ऊपर में, यहाँ एलसीएम निकालना है तो ऊपर में एलसीएम रहेगा, इसके बाद डिवाइडेड बाय हरों का HCF। अब आप निकाल सकते हैं तीनों टर्म को इस तरह पी बाई क्यू के फॉर्म में लाके, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका आंसर मुझे चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो आपका कितना होगा। ओके चलिए, अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, और ये सेशन आपको अगर हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स हमारे लिए एक छोटा सा मोटिवेशन बन सकता है, जिसके हम लोग और भी आपके लिए इस तरह के वीडियोज़ लाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। देखिए वहाँ पे LCM निकालना था, यहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी है उसका HCF निकालना है, तो आपको आई थिंक ट्रिक्स याद हो गई होगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पी बाई क्यू के फॉर्म में यह भी है 4/3, इसके बाद 3/6, इसके बाद 2/7, इसका क्या निकालना है HCF। ओके HCF निकालना है, तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी अंश का है उसका ऊपर में म सौ और नीचे ल सौ। देखिए अभी मैंने ट्रिक बताया आपको, वो चीज़ याद हो गया होगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/42 आएगा। देखिए 4, 3 एंड 2 का क्या होगा, यहाँ पे हम लोग HCF निकाल रहे हैं, तो ऊपर में क्या हो जाएगा ये अंश का HCF, और नीचे क्या हो जाएगा LCM हर का, ठीक है, हरों का LCM। तो ये आपका ट्रिक था वहाँ पे, LCM अगर रहेगा तो ऊपर में LCM रहेगा। तो पी वाई क्यू के रूप में दी गई भिन्नों का मौसौ निकालने के लिए, यानी कि HCF निकालने के लिए मौसौ, यानी HCF इक्वल टू अंशों का HCF डिवाइडेड बाय हरों का LCM, तो ये आपका ट्रिक है, ठीक है। तो आप इसका डेटा चेंज कर करके बनाइए, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही इस सेशन में, फिर मिलते हैं नए टिक्स एंड ट्रिक्स के साथ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 100 डेज टारगेट बैच में आप लोगों के लिए लेकर आया है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ 1 रुपये भी आपका कोई भी पैसे खर्च नहीं होना है, ना ही किसी रजिस्ट्रेशन के बहाने, ना ही कोई नोट्स के बहाने, सब चीज़ आपके लिए फ्री रहेंगे। अगर PDF आपको इस सेक्शन का या इस सेशन का या कोई भी क्लासेस का PDF चाहिए आपका, तो आप हमारे टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके आप ले सकते हैं। आप वहाँ पे टाइप करेंगे कि मुझे इस दिन का PDF चाहिए या इस सेक्शन का PDF चाहिए या इस वीडियो वाला सेक्शन का PDF चाहिए, तो आपको तुरंत वहाँ पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर हम लोग कवर कराते हैं मैथ्स का, जो कि 10 बजे के करीब आपके वीडियोस आ जाते हैं, रीजनिंग का, जीके जीएस का वीडियोस, इसके बाद करंट अफेयर्स डेली सुबह 7 बजे आ जाते हैं, आप डेली चेक कर सकते हैं, डेली आएंगे। रीजनिंग का, जीके जीएस का 1 बजे, 1 बजे दोपहर को आ जाता है, इसके बाद रीजनिंग का है वो 6 बजे लगभग आपके वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पर बताया जाता है। तो आप अगर SSC CGL या CHSL RRB NTPC जिसके Tier 2 बचे हुए हैं या Tier 1 भी बचे हुए हैं बहुतों के, तो Tier 1 एंड 2 के लिए बेस्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग यहाँ पे कराते हैं। साथ ही ग्रुप डी का तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत बेस्ट होगा, और साथ ही साथ अन्य किसी प्रकार के आप लोग गवर्नमेंट जॉब या नॉन गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये पूरा सेशन हम लोगों का। और 100 डेज टारगेट बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब करना है आपको इस चैनल को,
और शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में। बस आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग पार्ट 3 ऑफ LCM एंड HCF में देखेंगे, और भी तरह के ट्रिक्स और टिप्स जानेंगे जो कि आपके समय को काफ़ी हद तक बचाएंगे और बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको वहाँ पे समय का मैनेजमेंट को समय को मैनेज करना सिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।